जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप का आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13, एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एंड इवेल्यूएटिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जिस नेचर का बिजनेस है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, हमने उसको अप्रिशिएट करना है। कुछ बिजनेस है जो जिसमें चेंजेस जल्दी आती है, कुछ बिजनेस है जिसमें चेंजेस तेज़ी से नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टेक्नोलॉजी का बिज़नेस लें, आप फैशन का बिज़नेस लें, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, जैसे दाल, चावल, आटा, ये चीज़ें, स्टील हो गया, इसमें चेंजेस बहुत कम आती हैं। तो हमें अपने बिजनेस के नेचर को रिस्पेक्ट देनी है, उसके ग्रोथ चेंजेस किस बिजनेस में ज़्यादा है, किस में कम है। ये देखें जी, एक फनी वे में बताया गया है, फैशन इंडस्ट्री, इसमें यू नेवर नो आज फैशन क्या है, कल फैशन क्या हो जाए। और कुछ फैशन तो बिल्कुल ही बेतुके होते, जैसे कि ये है, और कुछ फैशन लोगों को क्लिक कर जाते हैं तो फिर वो आगे चलना शुरू हो जाता है। अब आपने ग्रोथ में सबसे पहले अपने जो कोर बिजनेस की स्ट्रेटजी है ना, उस पर फोकस रखना है। आपका जो कंपेरेटिव एडवांटेज है, कोर स्ट्रेटजी है, जो मेन एडवांटेज है आपको दूसरों से, उससे ना हटें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एडवांटेज है कि आप बेस्ट इंजीनियर्स हैं आपके पास, आप इसकी वजह से अप्लाइंसेस अच्छे बनाते हैं इंजीनियर्स की वजह से, तो उसी चीज़ में आप रहें। आप ऐसा ना हो कोई और चीज़ बना दें जिसमें इंजीनियर्स की जरूरत ना हो, तो फिर आपका कंपेरेटिव एडवांटेज भी लूज हो जाएगा। तो स्टिक टू द बेसिक और स्टिक टू योर कोर स्ट्रेटजी। फिर जी, प्लान करना है अपने ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए पहले प्लान करना पड़ता है। जिस तरह के हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं, इसी तरह से बिजनेस में, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमें प्लान में वो मेंशन करना होता है कि अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो वो ग्रोथ होगी कैसे, किस चीज़ में ग्रोथ होगी, तो पहले से डिसाइड करना होता है हमें। ग्रोथ हम करते क्यों हैं, इसके डिफरेंट रीज़न हैं। एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। इकोनॉमिक्स स्केल हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, आपकी जो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, चीज़ें सस्ती बननी शुरू हो जाती हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट कम आती है, आप सस्ती चीज़ें बेच सकते हैं। दूसरा आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप ये होता है कि सेम रेंज में जो चीज़ें आए वो आप ज़्यादा बनाएं, उस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो वो आप उस कैटेगरी की सब चीज़ें बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो चीज़ें बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉस्मेटिक्स की लाइन में हैं, तो उसी में कोई आप चीज़ ऐड कर दें तो आपके लोग वही रहते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस वही रहती है, मार्केटिंग टीम वही रहती है, फाइनेंस वाले वही रहते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इसमें आप ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है आपकी। फिर आप मार्केट के लीडर बनना चाहते हैं, आप सर्वाइव करना चाहते हैं, पावर इन्फ्लुएंस होना करना चाहते हैं आप सर्वाइवर के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए, उसके लिए आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहते हैं आप जो की कस्टमर्स हैं वो लूज ना हो जाए, जो की कस्टमर हैं आपके, जो ब्रांड लॉयल हैं, वो चाहते हैं कि इस ब्रांड में और चीज़ें बने, इस वजह से आपको ग्रो करना पड़ता है। फिर जो एम्प्लॉई है उनको रिटेन करने के लिए, न्यू एम्प्लॉई को अट्रैक्ट करने के लिए, जो जब भी अच्छी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन आती है तो लोग, सब लोग बेस्ट टैलेंट उसमें अप्लाई करते हैं, तो ये ग्रोथ का एक रीज़न होता है। अब जब आपने ग्रोथ की तरफ जाना है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और उन स्टेजेस की डिफरेंट आपकी स्ट्रेटजीज होती है, जो हमने डिस्कस किया है, बिजनेस लाइफ साइकिल, आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जी आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है, सेगमेंट के हिसाब से है, सही लोकेशन पे है, प्राइस स्ट्रेटजी ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह ठीक है, और एक चीज़ आपने लॉन्च की, ज़्यादा चीज़ें लॉन्च नहीं की, या 1-2-3 चीज़ें लॉन्च की, ज़्यादा आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करने। यहाँ पे पहले आपने देखना है कि आपने जो सर्वे किया है कस्टमर से, वो
वो चीज़ आपने लॉन्च करनी है, वो चलती है या नहीं, या कितनी हद तक चलती है। अगर तो वो चलनी शुरू हो जाए, ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छी एक लाइन लिखी गई है, द फाउंडर मस्ट वर्क ऑन द बिजनेस रैदर देन इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर काम नहीं करना आपने कि ये बेच दो, ये चीज़ें बेच दो, ये भी निकाल दो। मतलब यू नीड टू वर्क ऑन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस मीन बिजनेस की फाउंडेशन पे आपने काम करना है, कि बिजनेस की कोर स्ट्रेटजीज ठीक रहे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक रहे, एम्प्लॉय ठीक काम करते रहें, कस्टमर से इसमें आप फीडबैक लेते रहते हैं, पॉलिसी आप बनाते रहते हैं कि क्या चीज़ ठीक थी, क्या चीज़ ठीक नहीं थी, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में जो चीज़ ठीक नहीं थी आप उसको रिमूव करते जाते हैं, कुछ माइनर से चेंजेस लेके आते रहते हैं कस्टमर के नीड के हिसाब से और जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है उसमें। फिर जब अच्छी आपकी ग्रोथ हो जाए, आप मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, करते हैं कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे होते हैं मैक्सिमम शेयर ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रांचेज ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों से पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट पर फोकस कर रहे होते हैं, लाइसेंसिंग लोगों को दे रहे होते हैं ताकि आपकी ज़्यादा ब्रांचेज ओपन हो जाए, ज़्यादा और ऑडियंस तक आप पहुँच जाए, क्योंकि लोगों को आपकी चीज़ पसंद आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना स्टार्ट कर देना होता है कि नेक्स्ट मैं ग्रोथ में चेंजेस क्या लेके आऊँ। हर बिजनेस आपका डिक्लाइन पे नहीं जाता, और अगर चला जाए तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या उसमें चेंजेस लेके आने चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल टर्न अराउंड कर देते हैं बिजनेस को, बिल्कुल चेंज डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, चीज़ बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कुछ लोग एग्जिस्टिंग में चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है लाइफ बॉय, हमें पता है कि बहुत अच्छा है, ज़माने में उसकी मार्केट ग्रोथ मार्केट शेयर था उसका, फिर डिक्लाइन आ गया, बाकी सोप आ गए मार्केट में, तो इसने अब डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, इसने एक तो अपना पैकिंग चेंज की, क्वालिटी चेंज की, अपनी एडवर्टीजमेंट पब्लिक रिलेशन ये सब चेंज किया, कस्टमर के माइंड में जो इमेज था वो अपडेट किया, रीपोजिशनिंग की, प्लस आपकी जो इसकी जो प्रोडक्ट लाइन थी उसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी इन्होंने। रूअब्जा में ऐसा तो डिक्लाइन नहीं आया, लेकिन जब ये न्यू ड्रिंक्स आने शुरू हो गए थे मार्केट में तो इसकी सेल्स कम होना शुरू हो गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैकिंग वगैरह चेंज नहीं की, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं कस्टमर के माइंड में, कि हम लोग ऐसा ड्रिंक है जो हेल्दी है, जो आजकल के ड्रिंक से ज़्यादा हेल्दी है, लोकल ब्रांड है, डोमेस्टिक ब्रांड है, और इसको ना सिर्फ आप ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं बल्कि वैसे भी इसको डिफरेंट चीज़ों में आइसक्रीम में डाल के यूज़ कर सकते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट। As the company grows, Jingdong needs more and more cash to maintain the company's operations. In addition, the company must carefully manage its cash on hand to ensure that it maintains sufficient liquidity to meet its salary. Because the company growth means more cash in and out of the company, as Jingdong grows too fast, the founder wants to establish a courier service that belongs to Jingdong. So there has been a shortage of funds. The problem that caused the company to get into trouble because of growth. Price stability. When the development of a company enters a new market, it will encounter price competition from other companies in the market. The constant price will make the company's competitiveness relatively lower. Companies do not change prices for a long time and will be beaten by competitors. Quality control. When the company develops rapidly, employment becomes a big problem. Companies need more people to produce products and service customers, but hiring staff in a short time is a big challenge. When employees are scarce, product production efficiency will not increase, and customer needs will not be met in a timely manner. In addition to the financial crisis in 2008, Jingdong's difficulties are not only employing employees, but also failing to meet the wages of existing employees. Due to a shortage of funds and a scarcity of personnel, Jingdong is in a crisis of impending bankruptcy. Capital constraints. The biggest challenge Jingdong has ever had in the growth stage is capital chain problem. जब
चैलेंजेस और क्या है इसके अलावा? आपके मैनेजरियल कैपेसिटी प्रॉब्लम है और डे टू डे चैलेंजेस है फर्म के। जो मैनेजरियल कैपेसिटी है वो है जी आपका चीज़ों को फोरसीन करना और इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को। मतलब आप एक शॉप चला रहे हैं, एक बिजनेस है आपका फास्ट फूड का, आपने देखने के और लोगों की डिमांड क्या हो सकती है, लोग क्या चाह रहे हैं वो समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजरियल कैपेसिटी में आता है। आपकी मैनेजरियल कैपेसिटी है या नहीं? अगर आपकी मैनेजमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन चीज़ों को समझें तो आपकी ग्रोथ में ये एक हर्डल है। अब मैनेजरियल कैपेसिटी में आता है जी आपका एडमिन फ्रेमवर्क। इसमें दो चीज़ें हैं आपके, एंटरप्रेन्योरियल सर्विस और मैनेजरियल सर्विस। एंटरप्रेन्योरियल सर्विस है कि न्यू मार्केट को समझना कि मार्केट में क्या चेंज आ सकती है, और मैनेजरियल सर्विस का मतलब है कि उसको फंक्शन में लेके आना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। उसके एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये आपके ये एडमिन फ्रेमवर्क के लिए आपकी एक तो सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके एडवर्स सिलेक्शन है तो इसका मतलब है कि आपने एम्प्लॉय ठीक हायर नहीं किया, उसको ठीक पोजीशन नहीं दी, उनका सुपरवाइजर ठीक नहीं था, ठीक जगह पे आपने उनको फिक्स नहीं किया। मॉरल हैजर्ड का मतलब ये है कि आपका जो स्टाफ है उनका पैशन वैसा नहीं है जैसे आपका है। तो अगर आपके एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है, वो पैशन नहीं है, फिर वो ग्रोथ की तरफ इतना नहीं जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि वी ऑल लव्स फ्राइज, राइट? फ्राइज बहुत से लोग को पसंद है और डिफरेंट सॉस के साथ, डिफरेंट केचप के साथ हम लोग खाते हैं। अब अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट का मैनेजर, फाउंडर या वर्कर फोर्स इन करता है, समझता है कि मैं कि ऐसा पैकेज बनाऊं कि लोगों को डिफरेंट सॉस यूज़ करने की जरूरत ना हो, पैकेज में ही हो, जैसे कि ये लोडेड फ्राइज, लोडेड कबाब फ्राइज भी आ गए। अब इन्होंने सोचा कि एक पैकेज में ही उसको कन्वर्ट कर दे। अब आपका शेफ अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाएगा जिसने ये चीज़ें बनानी है, तो अगेन चीज़ बनेगी नहीं, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे आप। तो और लोग जो बनाता है आपका शेफ, उसमें भी इतना पैशन होना चाहिए कि वो समझे कि बॉस क्या चाहता है या कस्टमर क्या चाहता है, मैं वैसी चीज़ बनाऊँ हर दफ़ा। देखिए, इस बेसिक मॉडल में आपको समझ आएगा जो मैं यहाँ एक कंप्लीट है। एंटरप्रेन्योरियल सर्विस, न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई किया, उनकी नीड को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैनेजरियल सर्विस, और फिर आपकी फर्म की ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ जब करने में ये डिपेंड करता है जी जो आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्या वो सोशलाइजिंग करते हैं, क्या वो मोटिवेशन का लेवल हाई है, सिलेक्शन उनकी ठीक है, मॉरल हैजर्ड है तो नहीं है, पैशन उनका वही है, ये सब चीज़ें होंगी तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा, फिर आपको अल्टीमेटली फर्म की ग्रोथ होगी। इसके अलावा डे टू डे चैलेंजेस क्या हैं? आपको कैश फ्लो की ज़रूरत रहती है, यू नीड टू हैव अ सेपरेट कैश टू कवर योर एक्सपेंसेस। प्राइस स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहती है, इन्फ्लेशन हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है तो आपको प्राइस स्टेबल रखनी होती है, क्वालिटी कंट्रोल रहे, क्वालिटी हमेशा अच्छी रहे बल्कि उससे बेटर रहे, क्योंकि जब भी कभी आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो, कस्टमर फौरन पिक्चर लेके फेसबुक पे पोस्ट कर देता है और आपके बिजनेस की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर आपका कैपिटल है जी, कैपिटल रहे हमेशा रहे, आपने कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई और चीज़ एक्सपेंशन करनी है बिजनेस के लिए, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत रहती है। और इसके अलावा जी मैंने ये एक लिंक लगाया है YouTube का बिजनेस जो ग्रोथ, उसमें और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आप देखें और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। There will always be challenges and obstacles in life, some more difficult and some less. What matters is how we look at the problems we face. Are we looking with a fixed or a growth mindset? A fixed mindset is thinking your abilities are carved in stone. It's a belief that you can't change who you are and that you're stuck with whatever genetics and surroundings offered you. Failing means you're not reaching your potential. On the other hand, a growth mindset is thinking you can improve and develop over time. It's knowing that your genetics and surroundings don't define who you are and that you can always improve yourself. Failure and setbacks give you growth and learning potential.
let me introduce you to a story of twin brothers and their father. In a study on alcoholism, scientists found a particularly interesting pair of identical twin brothers who had an alcoholic father. Despite their identical genes and their presumably similar environments, they took a different path from one another. One of the twins grew up to become an alcoholic, a homeless bum on the street. But the other twin was a successful businessman who never took a sip of alcohol in his entire life. So they interviewed them both, hoping for an insight as to why they ended up so different. The alcoholic son told them, "Well, I grew up with an alcoholic father. Alcohol was in the house all the time and I saw my dad drinking, so I guess it was natural enough that I became an alcoholic too." The son, who was a businessman, said, "Well, I grew up with an alcoholic father. Alcohol was in the house all the time and I saw my dad drinking, so I guess it was natural enough that I swore I would never be like that, and so I don't drink." The twins started in the same place with the same circumstances. However, the path they chose was different as a result of their mindset. The alcoholic twin looked at his father with a fixed mindset. He thought that because of his father's influence as an alcoholic, he will become one as well. He was sure that his future was sealed, so he didn't even stop to think that maybe this could be a learning experience on what he shouldn't become. The successful twin was looking at his father with a growth mindset. Just like his brother, he was also influenced by his father, but he saw the problems it was causing, and unlike his brother, he saw it as a learning experience of what he didn't want to become. An alcoholic. So he decided to act on it and he went down a very different road compared to his father and brother. We can't control the circumstances and we don't always get to choose what happens to us or around us. But we can try our best to put ourselves in the growth mindset every time we face a challenge or a setback. After all, mindsets are just beliefs. They are powerful beliefs, but with enough dedication, you can change them over time. Just knowing about the growth mindset and reminding yourself that your intelligence and skills can be developed over time will yield amazing results. Remember, we all have the power to choose. So, will you choose a fixed mindset or a growth mindset? That is up to you. मैनेजमेंट क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीज़ों को देखती है. नंबर वन, आपका पैसा कहाँ से आएगा, रेजिंग द मनी, एंड नंबर टू, मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंसेस, मतलब पैसा आएगा कैसे और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है. पैसा कहाँ से आएगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया था. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, और वो होगा दी आपके जो प्रीवियस डेटा है, जो आपने करंट डाटा बनाना है, फ्यूचर का बनाना है, प्रोजेक्शन करनी है, फॉरकास्टिंग करनी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इससे इनके थ्रू. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है जी कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, क्या पैसा कमा भी रहे हैं या नहीं, या पैसे लूज करते जा रहे हैं, और पैसा हम लोग के हाथ में है या नहीं. प्रॉफिट तो होता है लेकिन कैश इन हैंड नहीं होता, और इतना कैश है कि अगर हमने किसी को उधार देना हो, किसी से उधार पर चीज़ परचेज करनी हो, तो हम ये कैश यूज़ कर सकते हो. हमने जो फर्नीचर परचेज किया है, जो एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज की है, वो हमें कितना पैसा कमा के देती है, हम लोगों का कितना प्रॉफिट है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म, एज़ कम्पेयर टू एसेट्स, एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री. तो हमें फ़ंड आए हैं क्या, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं, हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा, उसमें रिस्क कितना है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चेक की जाती हैं. फोर ऑब्जेक्टिव है जी फाइनेंशियल के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियली जो फर्म है सॉरी, उसके फोर ऑब्जेक्टिव होते हैं. नंबर वन, प्रॉफिटेबिलिटी. हर बिजनेस का ये मेन एम है पैसा कमाना. तो पैसा हम कमा रहे हैं या नहीं, इसमें हम ये चेक होगा. फिर लिक्विडिटी, नंबर टू ऑब्जेक्टिव फर्म का. हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम लोग के पास कैश इन हैंड भी होना चाहिए. हम क्या हमारी फर्म इतनी लिक्विड है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बिजनेस से पैसा निकाल के हम वो चीज़ परचेज कर सकें या उस पर लगा सकें पैसा,
एफिशिएंस एफिशिएंसी कितनी हम लोग की, मतलब हम कितनी अच्छी चीज़ बेचते हैं, कितना अच्छा हम कितने अच्छे में बिजनेस करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन अक्सर बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन हमने देखना कितने अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो मिल्क की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान जो डेयरी फार्म है उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे दुनिया में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान नंबर सेकेंड या नंबर वन पे आ सकता है अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की। अच्छा, स्टेबिलिटी, हम लोग कितना स्टेबल हैं, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में हम कोलैप्स कर जाएंगे, हमने बहुत उधार पे सामान लिया हुआ है, हम उधार पे नहीं कर सकते, या बिजनेस 100% उधार पे चल रहा है, हम लोग के एसेट्स कितने हैं, कि हम लोग स्टेबल हैं या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अब इन सब चीज़ों में हम लोग की आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके न्यूमेरिक वे में बताती, न्यूमेरिक फॉर्म में बताती है जी कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। इनकम स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट, ये सब बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जी आपकी फोरकास्टिंग है, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं करंट और पास्ट डेटा की बेस पे, कि हमने इतना परफॉर्म किया इसका मतलब नेक्स्ट में हमने ये परफॉर्मेंस होगी हम लोग की। तो हमेशा से फोरकास्टिंग करनी चाहिए, प्लानिंग फोरकास्टिंग। अब एक फोरकास्टिंग है, एक बजटिंग है। बजटिंग में हम अपने जैसे हम लोग का बजट आता है, पाकिस्तान का बजट आता है, उसमें डिसाइड होता है कि इतना हदफ होगा, ये हदफ हमने अचीव करना है, इतने एक्सपेंसेस को हमने कम करना है, इतनी इनकम हमने जनरेट करनी है, उसको हम कहते हैं जी बजट। फिर आपके फाइनेंशियल रेशियोज हैं, फाइनेंशियल रेशियोज दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताते हैं जी, कि दो चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो, करंट लाइबिलिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो दो चीज़ों का हम रिलेशनशिप चेक करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियो। ये जी आपका प्रोसेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सबसे पहले आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या थी, आपकी बैलेंस शीट क्या थी, आपका कैश फ्लो क्या था। फिर आप फोरकास्टिंग करते हैं कि हम लोग की इनकम एक्सपेंसेस कितने होंगे फ्यूचर में, और फिर वो फोरकास्टिंग करते हुए हम लोग प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रोफॉर्मा जो सॉलिड नहीं होती, जो प्रिडिक्शन की बेस से बनाई जाती है कि अच्छा फ्यूचर में ऐसी इनकम स्टेटमेंट होगी, फ्यूचर में ऐसे बैलेंस शीट होगा, और फिर उसके बाद हम ऑन गोइंग एनालिसिस करते हैं। जब वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या था, बजटेड क्या था, और में डिफरेंस कितना है, और क्या हाँ गलती भी हम लोगों से। अब वही चीज़ें ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया है वो यहाँ पाया गया है दोबारा से, कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, प्रोफॉर्मा में आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हुए प्रोफॉर्मा एक बनाते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए अच्छी बुक कीपिंग के लिए, आपके तीन टाइप्स है जी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एक तो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट बताते जी कि आपका खर्चा कितना हुआ, आप पैसे कितने कमाए, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट के आप कितने स्टेबल हैं, आपकी लाइबिलिटी, आपने उधार पे क्या चीज़ ली हुई, आपकी खुद की चीज़ें कितनी हैं, बैलेंस शीट। कैश फ्लो के आपके पास कैश इन हैंड कितना है, लिक्विडिटी क्या है आपकी, आपने उधार पे ज़्यादा सामान तो नहीं दिया हुआ, ये आपके बताते हैं। पैसा कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ आपका है। आप जी रेशियो एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एनालिसिस आपके दो चीज़ों का रिलेशनशिप डिस्कस करता जी। रेशियो एनालिसिस में हम एक तो कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं अकाउंटिंग के, उसकी बेस पे हम लोग स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। अगर स्टैंडर्ड ना भी हो, स्टैंडर्ड नहीं भी आपने फॉलो करने, तो हम इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं, मतलब उस इंडस्ट्री में कितने लोग कमा रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी स्टैंडर्ड बहुत कम होते हैं लेकिन इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं, तो हमें इंडस्ट्री को देखना होता है। ये देखें जी, ये रेशियो एनालिसिस से बताया हुआ है कुछ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब हमने जो हम लोग जो एसेट्स है वो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, हमें कितना रिटर्न देते हैं। देखें यहाँ पे पहले 14% था, 18 हो गया 21, इसका मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब हमने जो एसेट परचेस किया उससे हमें 21 प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि अच्छी एक
एक परसेंटेज है। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका नेट सेल से, नेट इनकम और नेट सेल से, फिर आपका करंट रेशियो क्या है, आपकी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, लेकिन सब में इंक्रीज यहाँ पे शो किया गया है। इसका मतलब परफॉर्मेंस पिछले सालों से अच्छी है। अब अगर हम पास्ट डाटा लें, पास्ट डाटा ये है, पास्ट ये भी, पास्ट ये, इसकी बेस पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट आने वाले सालों में इंक्रीज होगा। फोरकास्टिंग, यही जब ये आपको बात की फोरकास्टिंग, हम फ्यूचर इनकम शीट एंड बैलेंस शीट सब फ्यूचर पे हम फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर में बेटर पोजीशन होगी या नहीं। इसी तरह सेल्स फोरकास्टिंग भी होती है, प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपकी बन जाती है। फोरकास्टिंग देखते हुए आप एक एक्चुअल फॉर्म ले आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि ऐसा होगा फ्यूचर में। ये देखिए अगेन वही, जिस तरह से फोरकास्टिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी टाइप्स, इसी तरह से परफॉर्मा की सेम है, रेशियो एनालिसिस परफॉर्मा सेम। ये देखिए भाजी, तो यहाँ अगर आप वापस जाएं, यहाँ ये जो प्रोसेस है इसमें आपके हिस्टोरिकल डाटा, प्रिपरेशन फॉरकास्टिंग, परफॉर्मा, ये सब आपको बार बार बताया गया है कि इन तीनों में आपकी इनकम स्टेटमेंट भी है, इन तीनों में आपकी बैलेंस शीट भी है, इन तीनों में आपके रेशियो एनालिसिस भी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Financial Management presented by Edxit.com. In this video, we are going to learn about financial management. Financial management is the application of general management principles to manage the financial resources of the business. It includes controlling, directing, planning, organizing the financial activities. For instance, it deals with the financial activities like procurement of funds, expending the funds, etc. It deals with the procurement, allocation, and control of the financial resources of an enterprise. The primary objective of financial management is to ensure the maximum returns for the stakeholders' investments. So it deals with the objectives like to ensure continuous and substantial inflow of funds to the concern. To ensure that sufficient returns are returned to the shareholders. Optimum utilization of the funds through their utilization in maximum effective way and with least cost. Elements that play a key role in financial management. The following are the three elements that play a key role in the process of financial management. Financial planning. Financial planning makes sure that the funding is available to the business at all the times needed. Funding is needed in the short term to invest in stocks and equipment, fund the credit sales, salaries and wages. Funding is needed in the long term to expand the business operations and fund the acquisitions. Financial control. Financial control is a key element that helps the business to meet the objectives. It deals with efficient utilization of the assets, securing the business assets,
मैनेजमेंट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड इन कॉम्प्लायंस विद द बिजनेस रूल्स. फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग, दिस की एलिमेंट डील्स विद द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड्स. Investments must be financed in one way or the other. However, the business should also consider raising finances through alternate business alternatives like borrowing from banks, sale of new shares, or getting material or goods from suppliers on credit. When the business earns profits, financial decision should be taken to ensure that the profit should be reinvested into the business or it should be distributed to shareholders through dividends. Dividends should be optimally decided. If they are high, then the business will run into lack of funds and may not be able to reinvest to grow the revenues and to earn more profits. That covers the financial management. Thanks for watching. edXit.com is started to promote effective and efficient learning process to help the students with their learning requirements. To watch all our videos, please subscribe to our channel. Also, please click on the bell icon to receive a notification as soon as a new video is published. Please click on the like button if you like this video. Thanks for watching.